Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are going to discuss today about the animal tissue. We often observe our body contract and relax with some activity. Every activity performed by your body, even I am speaking, you have observed that my jaw expand and contract regularly. Mouth, the lips, everything contract and relax correspondingly, then I will be able to say something before you. Similarly, when we breathe, our chest relax and contract regularly. And why this all happen? ये सब ऐसा क्यों होता है? ये समझने के लिए आज हम animal tissue की बात करते हैं. Animal tissue क्या है? जैसा कि हमने पहले बात किया था कि plant cell और animal cell दोनों अलग-अलग होते हैं क्योंकि दोनों की अलग-अलग function होती है और दोनों की चूंकि अलग-अलग function है इसलिए दोनों के cell भी अलग-अलग होते हैं. क्योंकि cells अलग-अलग होते हैं तो tissue भी different होता होगा क्योंकि cells से ही tissue बनता है तो जब cells अलग-अलग होते हैं तो tissue भी अलग-अलग होता होगा. Contract और relax करने से जो टिशू काम आती है उसको हम कहते हैं मस्कुलर टिशू. ये विदाउट मस्कुलर टिशू इट इज नॉट पॉसिबल दैट एनी मूवमेंट ऑफ द बॉडी कैन टेक प्लेस. हर एक मूवमेंट के लिए बॉडी में मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने की जरूरत पड़ती है. तो हर एक मूवमेंट के लिए क्या चाहिए? एक मसल टिशू का होना जरूरी है. इसी तरह से जब अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन जो हम इनहेल लेते करते हैं ब्रीथिंग के दौरान, तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड सेल्स की जरूरत पड़ती है. ब्लड टिश्यू जो है, ब्लड भी एक प्रकार का टिश्यू है और ये जो टिश्यू है ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और जो भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक. यानी बॉडी के हर एक पार्ट में ये ट्रांसपोर्ट करता है जो ऑक्सीजन फूड मटेरियल अलोंग विद द डिफरेंट सब्सटेंस एंड वाटर इट कैन कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इसके बदले उधर से फिर कलेक्ट भी करता है, नॉट ओनली कि ट्रांसपोर्ट करता है बट जितने भी हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल हैं उन सबको ये कलेक्ट भी करता है और कलेक्ट करके किडनी को और लंग्स को देता है जो इसको डिस्पोजल करते हैं. किडनी आपको जैसे पता है कि ब्लड प्यूरिफाई करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल जाता है किडनी के पास उसको प्यूरिफाई करके और जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन और स्टूल के फॉर्म में और एनी अदर फॉर्म में जो है वो बाहर निकालता है. और जब ये वेस्ट मटेरियल उसके पास पहुंचते हैं तो वो काम पे लग जाता है और उसके जितने भी वेस्ट पार्टिकल्स हैं उसको प्यूरिफाई करके ब्लड को फिर वापस सर्कुलेशन में ला देता है और जो वेस्ट आउटपुट होता है उसको बाहर निकालने में कामयाब होता है. तो किडनी का इस तरह से फंक्शन है, लंग्स का भी यही फंक्शन है. किडनी और लंग्स मिल करके दोनों ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है उसको अलग करते हैं. तो हम जब ब्रेथ करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, जब हम इनहेल ऑक्सीजन करते हैं तो ये ऑक्सीजन जाता कहाँ है? अगर सिर्फ हम जितने ले रहे हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि जितनी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं साथ के साथ उतनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी तो रहे हैं. हाँ, ये बात जरूरी है, लेकिन ऑक्सीजन जाता कहाँ है? लेते हैं तो कहाँ जाता है? वो ब्लड वेसल्स के जरिए ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करके ले जाके कहाँ पे ले जाता है? ये ले जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में. और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड वेसल्स के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और बाद में ये जो ट्रांसफॉर्म होता है तो जो वेस्ट आउटपुट है, वेस्ट मटेरियल है जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है वो बाहर आता है और फिर उसे बाहर हम एक्सहेल करते हैं. तो इनहेल और एक्सहेल की ये प्रोसेस जो होती है वो लगातार चलती रहती है. इसका मतलब है कि बॉडी के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में मसल्स टिश्यू की जरूरत पड़ती है और इसी तरह से हम अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग टिश्यू की जरूरत हमें पड़ती है. जैसे हम ये कहें कि हमें जो कुछ भी हमें यहाँ पे किसी ने अगर मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे पिंच कर दिया तो पिंच करने के साथ ही हमारे बॉडी में एक सेंसेशन हुई और इस सेंसेशन का सिग्नल हमारे ब्रेन तक गया और मुझे पता चल गया कि हमारी बॉडी में कहीं से पियर्स हुई है या किसी ने पिंच किया है या किसी ने कुछ चोट पहुंचाई है. तो ये बात भी एक टिश्यू के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंचता है. इस बात को कहते हैं नर्वस टिश्यू. ये जो इस प्रकार के टिश्यू होते हैं ये नर्वस टिश्यू है और ये अपने दूत, चेले या जो भी कह सकते हैं मैसेंजर न्यूरॉन्स होते हैं जिसके जरिए ये मैसेज को है वो कहाँ तक कन्वे करता है? तो ब्रेन तक कन्वे करता है. तो ये एक नर्वस टिश्यू भी एक प्रकार का है, एक मस्कुलर टिश्यू हो गया जिसके बारे में अभी हमने बात करी और एक होता है कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है?
ये ऐसा टिश्यू होता है जो एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट के लिए कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने से ही इसमें जो है वो हम मूव कर पाते हैं बॉडी पार्ट को अलग अलग तरीके से। ये जैसे मैं मूव कर रहा हूँ और बॉडी के कोई और पार्ट मूव कर रहे हैं, ये जैसे मूव कर रहे हैं, सारे जो हैं ये मूवमेंट और जो एक्सपेंशन हो रही है ये सब कनेक्टिव टिश्यू की वजह से ही हो रही है। हर एक में एक लिगामेंट लगी हुई है, जैसे हमारा घुटना है, हमारी कहनी है, इन सब में एक लिगामेंट लगा हुआ है। इस लिगामेंट के जरिए जो है ये कनेक्ट हुआ पड़ा है और ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो इसको सपोर्ट करता है और एक बॉडी ऑर्गन को दूसरे बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट करता है, जिससे इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और चौथा जो सबसे पहला है उसको हम चौथी बार में आखिरी में कहते हैं, इसको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ये बॉडी के आउटर और इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल, उन सब के लेयर का काम करता है, एक्सटर्नल और इंटरनल कोटिंग का काम करता है। जो लेयर्स हैं बॉडी ऑर्गन के, इंटरनल लेयर्स हैं या एक्सटर्नल लेयर्स हैं, इन सब पे जो टिश्यू है वो क्या है, वो एपिथेलियल टिश्यू है। जैसे बाहर में हमारा जो ये जितने भी टिश्यू है वो एक्सटर्नल बाउंड्री पे, हमने कहा था कि एपिडर्मिस होते हैं और इनके साथ एक कनेक्टिव टिश्यू भी होता है जो इसके लेयर पे होता है, उसको हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स, चाहे वो किडनी हो, चाहे लंग्स हो, चाहे माउथ का इंटीरियर लेयरिंग हो, चाहे कोई भी हो, इवन ब्लड वेसल्स की लेयर्स होती है इंटरनल और एक्सटर्नल, तो जितने भी हमारी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं इस पे जो कोटिंग का काम यानी लेयर का काम जो है वो पहली अंदर के और बाहर के आउट लाइनिंग, लाइनिंग शब्द कहेंगे कि आउट ले और लाइनिंग जो है वो क्या है, किसकी वजह से है, एपिथेलियल टिश्यू की वजह से है। तो हम ये कह सकते हैं मोटे तौर पे कि एनिमल टिश्यू को मोटे तौर पे चार भागों में बांटा जा सकता है, और चार भागों में कौन कौन से भाग हो गए, एक हुआ एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हो गया मस्कुलर टिश्यू, तीसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू और चौथा हो गया नर्वस टिश्यू। आइए हम बारी बारी से इनके बारे में डिटेल्स समझते हैं, इनके क्या क्या फंक्शन हैं और इनके अलग अलग टाइप्स भी हैं क्या, अगर हैं तो किस तरह के हैं, और इन टिश्यू के स्ट्रक्चर क्या है। टिश्यू में हम पढ़ते ही क्या है, टिश्यू में हम ये पढ़ते हैं कि टिश्यू किस प्रकार का होता है, उसके फंक्शन कैसे होते हैं और ये कहाँ पे मिलता है। तीन ही चीजें हमें जानने की जरूरत है, जो बेसिक नॉलेज है उसमें ये तीन बातें जानने की जरूरत है कि एक ये टिश्यू है कहाँ, कहाँ मिलता है, हमारे बॉडी के एनिमल के किस पार्ट में मिलता है, दूसरा ये क्या करता है, और तीसरा इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी जो बनावट होती है वो कैसी होती है। तो तीन चीजें, कहाँ, कैसा और क्या, कहाँ, कैसा और क्या, कहाँ पर है, कैसा है यानी बनावट कैसी है और क्या करता है, ठीक है, और इसकी कोई टाइप्स है तो उसकी भी बात कर लेंगे, वो किस तरह से काम करता है, उसके उसमें भी यही बात हमें सीखनी होगी, कहाँ, क्या और कैसे। तो इस तरह से हमें टिश्यू के बारे में बेसिकली जानने की जो जरूरत है वो मुख्य रूप से ये बातें जाननी है, मेनली वी हैव टू नो दैट टाइप्स ऑफ टिश्यू, देयर वेयर दे आर फाउंड इन आवर बॉडी एंड व्हाट टाइप ऑफ दे हैव अ कंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ थिंग इज दैट व्हाट आर देयर फंक्शन। सो रेस्पेक्टिव फंक्शंस वी विल डिस्कस एंड डेफिनेटली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द use of all these tissue in animal and whether they are dead or live. This is one of the important factor that in plants we have seen that most of the tissues are dead and in animal only as comparable to plants many tissue are lives but few tissue are maybe dead. So that we will also discuss that what part of the body tissue are dead and when they are dead and why they are dead. So we will discuss all these things in this topic. And I hope this is quite interesting topic and you will be definitely able to enjoy all these things. So let me explain this one by one. And first of all, we are going to discuss about the animal tissue. So let me write this animal tissue. Animal tissue. Animal tissue. Right. Animal tissue. The liver division, the division of liver in multicellular organism, multicellular organism, germs, the division of liver in multicellular organisms by
group of cells called tissue, right? So in animal there is also the division of labor which is performed by group of cells. So therefore the different activity of animals are performed by tissue. They are mainly four types. So tissue are divided in four categories. Animal tissue. We will discuss the more differentiated level, but now we are going to decide it that they are four tissue mainly. They are four types, right? One is called epithelial tissue. Another is called muscular tissue, and the third one is called connective tissue. And the last one is called nervous tissue, right? So we will discuss all of these four type of tissue one by one, but before discussing this we will know the different characteristics of each and every type of tissue. The epithelial tissue, right, muscular tissue, they are connective tissue, and the nervous tissue. These are the four type of tissue that we will discuss. The blood tissue is also a kind of tissue. So blood is also a kind of tissue. We will discuss it later on that what kind of tissue it has. It is a transportive by nature. It will transport, but this is also a type of connective tissue because it will connect one organ to other, one organ from another organ. So this is what we will discuss. So देखते हैं क्या है ये, और इस तरीके से हम बॉडी के जो ये आप पार्ट देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो प्रोसेस चल रही है जब हम ब्रीथ करते हैं, तो इस तरीके से हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है. इसी तरह से ब्लड वेसल्स जो है वो हमारी बॉडी के ये जो आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है वन प्लेस से अनदर प्लेस. सो ब्लड और मसल्स जो होते हैं ये चार दोनों टिश्यू ही होते हैं. टिश्यू के अलग अलग सेल डिवीजन के जरिए एक्सलेस अलग अलग टाइप होती है. हम सबसे पहले जो बात कर रहे थे एपिथेलियल टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की, और दूसरा जो है वो मस्कुलर टिश्यू, एंड फिर उसके बाद हम कहेंगे कि नर्वस टिश्यू. ये चार टाइप हैं टिश्यू के, और इन टिश्यू के चारों टाइप्स के जो अलग अलग आपने शक्ल देखी है इसकी हम चर्चा वन बाय वन करके करेंगे. और इसकी चर्चा करने से पहले हम सबके बारे में जानेंगे कि ये क्या और क्यों करता है और कैसे करता है. तो इन सबको समझने के लिए पहले इनकी थोड़ी सी डिफरेंशिएशन को भी जानना जरूरी है. जैसे मेनली हमने चार टाइप के कह दिए कि टिश्यू होते हैं. चार टाइप के अलावा टिश्यू का और क्या क्या टाइप होता है वो समझने के लिए हमने ये जो चार टाइप के टिश्यू बताए हैं इसका और डिटेल स्ट्रक्चर भी होता है. जैसे कि ये जो टिश्यू है इस टिश्यू को और ज्यादा थोड़ी डिटेल अगर समझने की कोशिश करें तो ये देखेंगे कि एनिमल टिश्यू जो होता है वो बेसिकली ये चार टाइप के टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू और जो ऐसा मैंने कहा और मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ये मेनली फोर टाइप के टिश्यू होते हैं. इन फोर टाइप के टिश्यू के बाद जो ये स्ट्रक्चर है एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू,
इनके बाद एपिथेलियल जो टिश्यू है इसकी हम पहले आउटले की बात करते हैं कि इसमें स्क्वैमस होती है, क्यूबॉइडल होता है, क्लमनर होता है, सिलिएटेड होता है एंड ग्रैंडुलर होता है। ये पांच टाइप के इसके डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू होता है। इसी तरह से मस्कुलर टिश्यू को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसके भी तीन टाइप होते हैं, स्टेरेटेड, नॉन स्टेरेटेड एंड कार्डियक। इसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उनको भी हम अलग अलग भागों में, पांच भागों में बांट सकते हैं, एरोलर, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड दैट इज वैस्कुलर टिश्यू, इसी में ब्लड और लाइंस आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्केलेटल में कार्टिलेज और बोन होती है। कार्टिलेज में भी तीन तरह की चीजें होती है, हेलाइन एंड फाइब्रस एंड कैल्सिफाइड। इस तरह से ये जो कनेक्टिव डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें टेंडन और लिगामेंट होती है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिटेल्स है जो धीरे धीरे जैसे जैसे आपको जरूरत होगी वैसे वैसे स्टडी के दौरान ये बढ़ते जाएंगे। बट अभी जिस बात पे हम कर रहे हैं बेसिकली ये प्राइमरी नॉलेज की बात कर रहे हैं, और ये प्राइमरी नॉलेज समझने के लिए इतने सारे डिटेल्स की जरूरत नहीं है। बट फिर भी हम एपिथेलियल टिश्यू से चर्चा शुरू करेंगे, और एपिथेलियल टिश्यू की चर्चा हम अगले एपिसोड में, अपने अगले लेक्चर में करते हैं। और तब तक के लिए इस टिश्यू में जिस इंट्रोडक्शन है आप इस इंट्रोडक्शन को समझिए, और इस इंट्रोडक्शन के आधार पर जो भी बातें हैं उस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये सारी बातें है क्या और इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो अगले में हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, और इस वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग एंड एक समरी था ये पूरी तरह से कि क्या था, किस तरह से एनिमल टिश्यू है, जिसके बारे में हमें क्या डिटेल पढ़ना है। तो ये जो लेक्चर है ये 10-15 मिनट का एक समरी के रूप में हमने दिया है। अब वन बाई वन उसकी डिटेल स्टडी हम करेंगे, और जैसा कि इसमें हमने बताया है आपको कि यहाँ पे जो हर एक तरह तरह के डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स हैं वो सब टिश्यू से बने होते हैं और अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं। जो मेनली चार तरह के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल और मस्कुलर और कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू, और इन चारों की आपने शक्ल देख ली है। शक्ल तो देख ली है, अब कहाँ पाया जाता है और क्या करता है ये जानना बाकी है। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक नमस्कार, थैंक यू।